नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप फेस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो। अगर आप यूज़ तो दोस्तों आप कर ही रहे होंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन का अभी तो ट्रेंड चल रहा है कि आप ओल्ड एज में किस तरीके से दिखते हो। हर कोई इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके यूज़ कर रहा है। मगर दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन की एक बुरी बात पता नहीं होगी जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल करते हो और परमिशन देते हो कि SS मतलब इस एप्लीकेशन को, तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी जो ओल्ड एज में आप जो देखोगे, ठीक है, तो वो जो वाली आप फोटो क्लिक करते हो, जो अभी आप रियल लाइफ में हो, तो आप जो ओल्ड एज में दिखते हो, तो इस कंपनी की जो टर्म एंड कंडीशन है, तो जो आपकी जो ओल्ड एज की फ़ोटो होगी उस इस कंपनी के सर्वर में सेव हो जाएगी और ये कंपनी आपके फ़ोन फोटो का यूज़ कर सकेगी कहीं पे भी। मतलब इस कंपनी को जहाँ पे भी आपका फ़ोटो का काम होगा वो आपकी आपका फ़ोटो वो कंपनी यूज़ करेगी, शेयर करेगी सोशल मीडिया पे। जैसे कि अभी टीम इंडिया की बहुत ज़्यादा फ़ोटो दोस्तों वायरल हो रही है, ठीक है, टीम इंडिया की तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब उनके सारे के सारे खिलाड़ी के जो ओल्ड एज में वो दिखेंगे, वो फ़ोटो भी बड़े ज़ोर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अगली फ़ोटो आपकी वायरल ना कर दे ये एप्लीकेशन, तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस ऐप को अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करिए। आपके लिए कोई काम का एप्लीकेशन नहीं है। जब आपको पता ही चल जाएगा आपकी जब आप ओल्ड हो जाओगे तो आप कैसे दिखते हो, ठीक है, इस एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना करें तो आप सेफ रहोगे। और आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।